नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ज्ञानवापी में बाबा मिल गए, ये दावा किया जा रहा है सर्वे में शामिल रहे हिंदू पक्ष की ओर से। दावा यह कि ज्ञानवापी में वजू खाने की जगह पर विशाल शिवलिंग मौजूद है जिसका व्यास यानी डायमीटर करीब 12.5 फीट है। हिंदू पक्ष के दावे के बाद कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को उस जगह की सुरक्षा कड़ी करने की जिम्मेदारी कह दी है। वहां से कोई आएगा जाएगा नहीं जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। आज हम हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे, क्या शिव ही सत्य है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कोर्ट का था, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो गया, हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों रहे मौजूद और अब मस्जिद में मंदिर पर अलग अलग है दोनों पक्षों के दावे। मस्जिद परिसर के अंदर जो वजू खाना है उसमें शिवलिंग मिला है और हमने मांग की है कि उसको संरक्षित किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए और कोर्ट ने उस पर आदेश पारित किया है और ऑर्डर पास करके पुलिस कमिश्नर को और डीजीपी को ये निर्देशित किया है कि उस एरिया को सील करें। सीआरपीएफ के कमांडेंट उसकी संरक्षा सुरक्षा करेंगे और वहाँ पे किसी भी आदमी का प्रवेश वर्जित करें। आकार क्या है इस शिवलिंग का? जैसे शिवलिंग का आकार होता है 12 फुट बाय 4 फुट की डायमीटर का आकार है उसका। पूरा हो गया हम संतुष्ट हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो हिंदू पक्ष का दावा है कि शिवलिंग मिल गया। हर हर महादेव के नारों के बीच हिंदू पक्ष ने अपनी जीत का दावा किया। उनका दावा है कि वजू खाने के पास शिवलिंग मिला है। दावा है कि सर्वे के दौरान पानी हटाते ही शिवलिंग सामने आ गया जिसका व्यास 12.8 फीट है। हिंदू पक्ष दावे वाली जगह पर कब्जे की मांग को लेकर वाराणसी कोर्ट जा पहुंचा। कोर्ट ने फौरन आदेश जारी कर दावे वाली जगह पर आने जाने पर पाबंदी लगा दी। वहीं मुस्लिम पक्ष शिवलिंग मिलने के दावे को सिरे से खारिज कर रहा है। लिंग बताइए, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हाँ। चलते रहे, चलते रहे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सब हवा हवाई है। वादी पक्ष कह रहा सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्ष और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोलना ये है कि जो सोचा फिर अगली बार हम जो कहते जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम नहीं मिला। नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। साफ इनकार है, बिल्कुल साफ इनकार। कार्रवाई समाप्त हो रही है माना जाए। बाबा मिल गए नंदी के सामने, बाबा मिले हैं। अरे भाई तो वो कह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए, ये अदालत तय करेगी। आपका भी तो पक्ष बताइए क्योंकि वो ये दावा कर रहे हैं। मिले हैं क्या? मिले हैं? नहीं, हमारे घर नहीं। अब इस मामले पर सियासी जंग छिड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सच छिपा नहीं रह सकता। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और कयामत तक रहेगी। देश का हर शिवभक्त खुशी से झूम रहा होगा कि जो सच था वो सामने आ गया। इसलिए कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। आज सत्य की एक तरह से जीत का एक मार्ग प्रशस्त हो गया। शिवलिंग आज प्राप्त हो गए और शिवलिंग के प्राप्त होने के बाद बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्राप्त हो गए, सोमवार के दिन प्राप्त हो गए और आज सोमवार बाबा का दिन होता है। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। उसी समय नेहरू को चाहिए था आक्रांताओं के सारे निशानी को मिटा दे, लेकिन नेहरू ने तुष्टिकरण की राजनीति के लिए केवल काशी मथुरा अयोध्या को ही नहीं विवादित रखा बल्कि देश में औरंगजेब के नाम पे सड़क तो बाबर के नाम पर किसके किसके नाम पर, ये आक्रांता थे, आक्रांताओं के निशानी को उसी समय मिटा देना चाहिए। अब ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सियासी तापमान मई की गर्मी को पीछे छोड़ रहा है। कल एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे वाराणसी कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ इस सर्वे के खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया है उसकी भी सुनवाई कल ही होगी। आज तक ब्यूरो।
आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। वारिस पठान साहब प्रवक्ता एआईएमआईएम के, सुनील सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, विष्णु जैन जो कि ज्ञानवापी मामले में वकील है वो जुड़ रहे हैं, स्वामी दीपांकर जी धर्मगुरु यहां पर स्टूडियो में आज हमारे साथ आए हैं, शोएब जमई जी इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के चेयरमैन है वो भी हमारे साथ स्टूडियो में यहां पर चर्चा में शामिल होंगे। संबित जी मिल गए बाबा, अब क्या होगा? लेकिन उससे पहले जरा सुना देते हैं आपको असदुद्दीन ओवैसी से। मेरा पहला सवाल आज यही था कि जहां पर शिवलिंग है क्या वहां पर वजू होता रहेगा? सुनिए उनका जवाब, फिर चर्चा करेंगे संबित जी से। इस वक्त एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर। ओवैसी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही, हालांकि अभी ये सर्वे की रिपोर्ट कल कोर्ट में पेश होनी है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि उन्होंने शिवलिंग वहां पर देखा है, वो मिला है, उसकी रिकॉर्डिंग हुई है। अगर शिवलिंग है तो क्या शिवलिंग के पास में ही वजू होता रहेगा मस्जिद में? ओवैसी साहब, कानून के लिहाज से वजू होना चाहिए और होता रहेगा, क्योंकि 91 का कानून ये कह चुका है, सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 91 का कानून के, कि किसी भी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर और नेचर चेंज नहीं होगा। वजू खाना था, वजू खाना रहेगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में कहा है इस बात को कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा कोई हाथ नहीं लगा सकता, ना सरकार भी हाथ लगा सकती है। तीसरी बात यह है कि 1991 में हाई कोर्ट ने इसी डिमांड पर स्टे दिया है, क्या वो स्टे खत्म हो गया है? चौथी बात यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट इस मसले की सुनवाई कर रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझिए कि कोर्ट इतनी जल्दी, माने अभी सर्वे हो रहा है, जो मैं सर्वे को भी गलत कहता हूं, कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि उसको सील कर दिया जाए। ये पूरी जिस तरीके से 1949 में बाबरी मस्जिद को छीना गया, कि जिस तरीके से मूर्तियां रखकर उस वक्त के डीएम ने मस्जिद को सील कर दिया और सिर्फ पुजारियों से पूजा करवाई, और 86 में राजीव गांधी की सरकार ने बगैर मुस्लिम पश्तो सुने ताले खुलवा दिए, तो आप वही कर रहे हैं। अब सिर्फ इस मस्जिद में एक बवाल खड़ा होना बाकी है और फिर मस्जिद को आप शहीद कर देंगे। इसका जवाब दीजिए संबित पात्रा जी, वो कह रहे हैं कि जैसे बाबरी मस्जिद, उनका कहना है कि शहीदी उसकी हुई है, वैसे इस मस्जिद को हम खोएंगे नहीं, और यही आपकी सरकार की मंशा है, पीछे से आप ही लोग हैं जो सब कुछ कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, पहले तो आपने मुझसे पूछा कि बाबा मिल गए क्या, और यहां चर्चा चल रही है बाबा मिल गए क्या। अंजना जी, मैं तो कहना चाहता हूं कि जैसे काले बादल सूरज को ढक लेते हैं, इसका अर्थ नहीं है कि सूरज का अस्तित्व खो जाता है। सूरज वैसा ही दैदीप्यमान रहता है, वही रहता है, वही स्थिर रहता है जहां था और जहां रहेगा। बादल छट जाते हैं, सूरज फिर दिखने लगता है। तो अगर एक विवादित ढांचे ने बाबा को ढक रखा था, उसका अर्थ यह नहीं है कि बाबा नहीं थे। बाबा वही थे, अनादिकाल से थे, अनादिकाल तक बाबा वही रहेंगे। बाबा का स्वरूप आज दिखा है, नहीं दिखा है, किस प्रकार दिखा है, ये सब कोर्ट का विषय है, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। पांच हमारी बहनें कोर्ट में गई थी क्योंकि उन्होंने अपने आस्था के अनुसार कोर्ट में गुहार लगाया कि आज से 30 वर्ष पहले गौरी श्रृंगार जी की पूजा अर्चना होती थी जो मस्जिद के अंदर स्थित थी, हम पुनः गौरी श्रृंगार जी की पूजा अर्चना करना चाहते हैं। कोर्ट ने यहां सर्वे के लिए अनुमति दिया, सर्वे हुआ, सर्वे में कुछ तथ्य आया है, कल ये सामने आएगा क्योंकि कल कोर्ट में पेशी की जाएगी। मैं फेसबुक और ट्विटर में कई बार एक्टिव रहता हूं। आज एक हेमंत शुक्ला करके किसी व्यक्ति ने मुझे बड़ा अच्छा कविता भेजा है, मुझे लगता है वो चंद पंक्तियां मुझे पढ़नी चाहिए। अरुण रश्मियों ने काशी में फिर से उगने की ठानी है, औरंगजेब गजनी की मिटने वाली छद्म कहानी है। मिथ्या मेघ भला कब तक सच के सूरज को ढक पाते, देखो फिर नंदी से मिलने आते औढ़र दानी है। तो औढ़र दानी फिर से अगर नंदी बाबा से मिलने आए हैं तो किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए? कौन सा कानून हम तोड़ रहे हैं? ठीक है, मैं तो कहूंगा आज मैं उस शिवलिंग को प्रणाम करता हूं, मैं उस शिवलिंग को प्रणाम करते हुए हर हर महादेव भी कहता हूं। ये अनंत कोटि वर्षों का तपस्या रहा होगा जिन लोगों ने आज पहली बार उस शिवलिंग को स्पर्श किया होगा, उसका दर्शन किया होगा। ठीक है, विष्णु जी तो वहां पर थे अंदर में। विष्णु जैन जी, मैं इसके बाद फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन वारिस पठान से एक सवाल जरूर ले ले, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? वो कह रहे हैं शिवलिंग था, शिवलिंग है, शिवलिंग रहेगा, शिव ही सत्य है, वो कह रहे हैं। देखिए अंजना जी, ज्ञानवापी मस्जिद थी, ज्ञानवापी मस्जिद है, और इंशाल्लाह ता कयामत तक ज्ञानवापी मस्जिद ही रहेगी।
ये जो आज ये ऑर्डर के थ्रू सर्वे जो किया गया है ये वायलेशन है, ये वायलेशन ऑफ 1991 का जो कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, जो कहता है कि नेचर और कैरेक्टर आप किसी चीज का चेंज नहीं कर सकते, उसका वायलेशन है। ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, जिसने बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट जब डिसाइड हो रहा था, आपने हमने सबने देखा उसमें कहा था कि नहीं ये संविधान का एक अटूट हिस्सा है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद आप जाकर लोअर कोर्ट से एक ऑर्डर लाते हो, तो मेरी नजर में असंवैधानिक है। लोअर कोर्ट को वेट करना चाहिए। मतलब कल मैटर कोर्ट पेंडिंग है हियरिंग के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज जनरल चूत वाराणसी असंवैधानिक काम करने वाले वकील साहब, नहीं नहीं पठान साहब, बिल्कुल 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 मेरा ये, अरे मुझे संविधान ने अधिकार दिया है, अगर यदि मैं कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हूँ, मुझे लगता है ये कोर्ट का ऑर्डर बराबर नहीं है, ये वायलेशन है पार्लियामेंट के कानून का, ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के कानून का, तो मुझे अधिकार है कि मैं उसका अपोज करूं, मैं उसके खिलाफ करेक्शन के लिए जाऊं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और गई है वहां की कमेटी सुप्रीम कोर्ट में, कल मैटर रखा हुआ है हियरिंग के लिए, ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड जे उसकी सुनवाई करने वाले हैं, और उसके पहले आप आके यहाँ पे सब चिल्ला पुकार लगा दिए, बाबा मिल गए मिल गए, अरे कुछ नहीं हुआ, वहां के जो वकील थे पश्चकार उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ है, तो किस तरह का भ्रम फैला जा रहा है। ये इसी तरह इन लोग 1990 के अंदर किया था अंजना जी, आपको पता होगा 1948 में अचानक से मूर्तियां प्रकट हो गई थी, रात के अंधेरे में जाके रख दी, नमाजों को बंद कर दिया वहां पे, उसके बाद में राजीव गांधी आए, उन्होंने ताला ही खुलवा दिया बाबरी मस्जिद का हमारी, उसके बाद अब तमाम ने देखा क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट क्रिमिनल एक्ट था, हां वो बात अलग है किसी को सजा नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह शहीद की गई, क्या आसमान से गिर गई जमीन से उखड़ गई, सुप्रीम कोर्ट ने 91 के इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद अयोध्या में मंदिर निर्माण का आदेश सुनाया था। लेकिन जल्दी से संबित जी एक जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद में विष्णु जैन जी के पास जाऊंगी। जल्दी देखिए, चूंकि वारिस पठान खुद एक वकील है, विष्णु पठान जी भी वकील है, यहां पर यहां एक टेक्निकल विषय प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मैं यहां बताना चाहूंगा। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पीवी नरसिम्हा राव जी लेके आए थे, उसमें कुछ एग्जेम्पशन क्लॉज भी है। एक एग्जेम्पशन क्लॉज जो सेक्शन 4 में आता है वो इस विषय को लेकर है कि अगर किसी स्थान का एएसआई का सर्वे होता है और एएसआई के सर्वे में वहां ऐसे तथ्य पाए जाते हैं जो 100 साल के या 100 साल से अधिक पुराने हैं, तो वो आमसार एक्ट, आमसार का अर्थ है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड होते हैं, और उसका संरक्षण करना, उसको सुरक्षित रहना, यही भारत वर्ष का संविधान है। इस कारण प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर 100 साल या 100 साल से पुराना कोई भी स्थापत्य कला वहां आप प्राप्त करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, इनका कहना है कि 1949 में किसी ने भगवान राम की मूर्ति रखे मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर जो विवादित ढांचा था उसके अंदर रख दिया था। आप क्या कह रहे हैं, 12.8 जिसका पेरीमीटर है वैसा शिवलिंग लोगों ने उठा के रख दिया अंदर में? अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं था तो घबराने की क्या बात है? आपका पक्ष तो कह रहा है कि कुछ भी नहीं मिला अंदर में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो इतना घबराना क्यों है? असंवैधानिक है, कोर्ट ने ठीक नहीं किया, मतलब आप जानते हैं मिला तो है, बाबा तो हैं, मगर यह मानना नहीं है। वारिस साहब जल्दी से नहीं, मुझे घबराहट इसलिए संबित पात्रा साहब क्योंकि 1992 में भी आपने ऐसा ही किया था, हमारी बाबरी मस्जिद को आपने षड्यंत्र के जरिए, षड्यंत्र रच के हमारी बाबरी मस्जिद का आपने डिमोलिशन कर दिया, शहीद कर दिया, और आप इस वक्त भी यही करना चाहते हो, एक षड्यंत्र रच के आप हमारी ज्ञानव्यापी मस्जिद को भी ले लेना चाहते हो, और आगे आप 30,000 मस्जिद के पीछे लगे हुए आप। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी कहा था 4 सब क्लॉज 2 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये बताता है कि 15 अगस्त 1947 के जितने भी 30,000 ऐसी मस्जिदें हैं जो मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं, उसको आप टच नहीं कर सकते। वारिस साहब, तो आप कह रहे हैं कि 30,000 इनका मानना है, वो मेरा तो मानना है जहां मस्जिद है थी रहेगी, ये बोलते हैं रात और दिन चिल्ला पुकार करते रहते हैं, 30,000 हैं जिनके पीछे ये पड़ हैं, ये तो सिर्फ झांकी है अभी 30,000, अरे मुझे आज मैसेज जा रहा है ज्ञान वापी तो सिर्फ झांकी है, 30,000 मस्जिद बाकी है, ये लोग लिख के भेज रहे हैं मुझे, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कितना देश के अंदर एक अराजकता का माहौल फैला रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब लूंगी, फैलाने की कोशिश की, ठीक है जवाब लेंगे। विष्णु जी, क्या देखा आपने अंदर? क्योंकि मुस्लिम पक्ष तो सिरे से इनकार कर रहा है, वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई शिवलिंग वहां नहीं मिला है, जरा अगर आप बताएं कि क्या हुआ था और क्या ये जो वजू खाना है, एक सेकेंड,
ये जो वजू खाना है, ये मस्जिद का जो हम कॉम्प्लेक्स दिखा रहे हैं जिसमें पश्चिमी दीवार हिंदू आर्किटेक्चर वाली है, उसके बगल में है, वेस्टर्न साइड पर है, किस साइड है, पूरी बात अगर बताएं। ये इसकी मस्जिद के ईस्टर्न साइड है, ठीक है, और बीचों बीच है मस्जिद के, जहां पे वजू खाना है और जहां पे आप नंदी जो दिखाते हैं कि नंदी जो मस्जिद की तरफ देख रहा है, हाँ? उस नंदी से ठीक 83 फीट के दूरी पे ये शिवलिंग आज हमें मिला है और ये वजू खाने के बीचों बीच है। कल जब ये कमीशन की कार्रवाई हुई थी तो मैंने तस्वीर दिखा देते हैं एक बार, जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं विष्णु, वो दिखाइएगा एक बार, दिखाइए, यही वो तस्वीर है दरअसल जिसका रुख आप देख रहे हैं। ये देखिए, इस तस्वीर में बिल्कुल साफ है, ये जो नंदी का मुंह आप देख रहे हैं शिव जमे जी, अच्छा झुक के देखिए और आगे से आके देखिए, आपको समझ में आएगा। ये जो नंदी आप देख रहे हैं ना, ये नंदी का चेहरा हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है, शिव की तरफ होता है, बिल्कुल शिवलिंग की तरफ होता है। ये आस्था से चलेगा, ये संविधान से चलेगा, ये तय करना वो तो तय करना है, वो अदालतों को तय करना है, ना आप करेंगे ना मैं यहाँ पे करके करूंगी, लेकिन जो फैक्ट है उसको कोई इनकार नहीं कर सकता, यही वो मूर्ति है। अब इसका रेफरेंस देके आप बताइए विष्णु जी, अब क्या कहते हैं, ये जो नंदी भगवान जिस तरफ देख रहे हैं उससे ठीक 83 फीट की दूरी पे ये बीच में वजू खाने के इन्होंने शिवलिंग बना रखा था, का मतलब वजू खाने के बीच में शिवलिंग हमें मिला है। कल जब कमीशन की कार्रवाई हुई तो मैंने इस पे ऑब्जेक्शन किया था और मैंने ये मांग की थी कि किसी भी तरह से इस वजू खाने का पानी कम किया जाए, क्योंकि मुझे वहां पे एक वॉल दिख रही थी जो आप कुएं की जैसी, कुएं की दीवार देखती हैं, कुएं जैसी दीवार बनी हुई थी, उसके अंदर मुझे कुछ स्ट्रक्चर कल दिखा था, तो कल कुछ सफाई कर्मचारी अंदर गए थे तो मुस्लिम साइड ने कहा कि ये फुवारा है, ये फाउंटेन है। तो आज कमीशन की जब कार्रवाई हुई तो मैंने कमिश्नर महोदय से रिक्वेस्ट की कि आप ये वजू खाने का पानी को कम किया जाए और सीढ़ी लगा के हमें वहां जाने की अनुमति दी जाए, और जब ये कार्रवाई आगे बढ़ी, पानी वहां से निकला, तो हम सीढ़ी लगा के वहां वजू खाने के बीचों बीच गए जो कुएं जैसी दीवार बनी हुई है, और उस दीवार के बीचों बीच 3 फीट ऊंचा, करीब 4 फीट डाया का हमें भव्य शिवलिंग दिखा, और इसके इस वजू खाने के पीछे भी एक दीवार जाती है, नीचे रास्ता जाता है। ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं विष्णु, आपके सामने टीवी है इस वक्त, यही मेरे सामने टीवी, मेरे सामने टीवी नहीं, मैं अगर मोबाइल पे ही आप देख ले आज तक, ये यही वो वजू खाना है, यही तस्वीर है, और इसी के बीचों बीच यही है ना जी, यही वजू खाना है, यही वजू खाना है। तो ये आज तक आप एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक तरफ नंदी का जो आप देख रहे हैं प्रतिमा, सीधा सिर उस तरफ है जिधर शिवलिंग है जो जैसा हमेशा रहता है, और दूसरा वो वजू खाना वहां आपको दिखा रहे हैं। अब इस पर जरा सा आप हमें कॉन्टेक्स्ट के साथ समझाएं कि इसके बीचों बीच आप कह रहे हैं एक कुआं है, उसमें आप लोग सीढ़ी से नीचे उतरे? नहीं नहीं नहीं, इसी के बीचों बीच एक कुएं की दीवार, कुएं जैसा, जब आप कुएं की दीवार देखती ना तो कुएं की जैसी दीवार होती राउंड, वैसा इस वजू खाने के बीचों बीच कुएं जैसी दीवार है। तो जब वजू खाने का पानी कम किया गया तो उस कुएं की दीवार तक पहुंचने के लिए सीढ़ी लगाई गई जिससे हम हॉरिजॉन्टली वहां पे जा पाए, हॉरिजॉन्टली जा पाए, और जब हम वहां पे पहुंचे तो उसके बीचों बीच ये शिवलिंग था, उस कुएं की दीवार के बीचों बीच। ये जो वजू खाना आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा है, इसी के बीचों बीच और नंदी के ठीक सामने, नंदी भगवान के ठीक सामने इतना भारी आकार का शिवलिंग है, और इस वजू खाने के ठीक बीचों बीच जो कुएं जैसी दीवार होती है चारों तरफ, उसके बीच में ये शिवलिंग था, और उसको हम लोगों ने आज जब उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई, मैं तुरंत तत्काल मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब वहां कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की कि इसको सील किया जाए क्योंकि एविडेंस डिस्ट्रॉय होने के चांसेस है, और माननीय न्यायालय ने उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए उस वजू खाने को सील कर दिया। ठीक है, इससे पहले कि हम अन्य मेहमानों की तरफ बढ़े, एक और सवाल आपसे है। जो लोग ये दावा कर रहे हैं, जैसे बीते दिन भी आपने कहा मुस्लिम पक्ष, अन्य लोग भी कई जगहों पर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि वो तो जी फवारा था, फाउंटेन था, उसके खिलाफ आपकी क्या दलील है? अंजना जी, हम लोग फाउंटेन भी समझते हैं और शिवलिंग भी समझते हैं, और मुझे लगता है कमिश्नर इतना तो गैर जिम्मेदाराना बयान सारे चैनल मतलब नहीं देंगे कि हम किसी फाउंटेन को शिवलिंग कह दें। भव्य शिवलिंग मिला है अंजना जी, भव्य शिवलिंग मिला है, और जब नीचे की दीवार अभी तोड़ी जाएगी तो और नीचे तक वो जा रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, नंदी जितना बड़ा नंदी है उसके आकार, उससे भी ज्यादा बड़ा शिवलिंग मिलेगा, क्योंकि नंदी का आप यहाँ पे साइज देख रही होंगी तो ऑर्डिनरी साइज नहीं है, तो जो मुझे अनुमान लग रहा है कि काफी बड़ा शिवलिंग है, और उसकी दीवार भी नीचे तक जा, उसका रास्ता भी नीचे जा रहा है जो दीवारों से बंद किया गया है। आज वो कमीशन का स्कोप नहीं था,
आगे हम उसकी कोर्ट से अनुमति लेंगे, पर वहां पे 100% मेरी अपनी लीगल ओपिनियन है, वहां पे शिवलिंग था, है और वहीं पे मिला है, भव्य भगवान आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग, जिसके आज मैंने दर्शन किए हैं, और जो संबीत भाई ने बात कही, मेरे आज जीवन धन्य हो गए, मुझे बाकियों का नहीं पता। और बहुत पुराना, वीडियोग्राफी हो गई है, इसकी वीडियोग्राफी हो गई है, इसकी वीडियोग्राफी हो गई है, फोटोग्राफी हो गई है, कमिश्नर साहब ने इसका कॉग्निजेंस ले लिया है। कल कितने बजे रिपोर्ट दे रहे हैं कोर्ट में? कल कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट देंगे, कल की उनकी ये तारीख है, तो मुझे लगता है कल अपनी वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, फैसला कल ही आएगा या उसको स्टडी करने के लिए कोर्ट फिर वक्त लेगा? नहीं, कोर्ट अभी उसको स्टडी करने के लिए, अदर साइड को ऑब्जेक्शन के लिए टाइम देगा। अगर ये उसको फाउंटेन दिखाना चाहते हैं तो कोर्ट के सामने फाउंटेन दिखाएंगे और अपनी सारी बातें रखेंगे, पर जो रिपोर्ट है वो कोर्ट के पटल पे कल रख दी जाएगी। ठीक है, शोएब जमई जी, आपने सुना जी, जो वहां पर पक्षकार हैं, अलग अलग दोनों तरफ के लोग गए थे और तस्वीरें सामने, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, यही वो वजूखाना है, पानी हटाया गया तब दिखा, और फाउंटेन और शिवलिंग के बीच में फर्क कोई भी जान सकता है, वीडियोग्राफी की गई है, तस्वीरें ली गई हैं। देखिए अंजना जी, आज जिस तरीके से हिंदू पक्ष के जो वकील थे, जिस तरह की वो उत्साह में अपनी बातें कर रहे थे, मैं समझता हूं कि कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला वकील बहुत मर्यादित और संतुलित होना चाहिए, वो इस तरह की वेग स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, अंटिल एंड अनलेस उसका कोई जजमेंट आ जाए या फिर वो रिपोर्ट अभी सबमिट भी नहीं हुई, कल उसकी तारीख है। दूसरी बात यह कि मुस्लिम पक्ष ना क्रोधित है, ना विचलित है, ना हर्षित है, ना उत्साहित है, बल्कि हम संतुलित और मर्यादित हैं, इसलिए संविधान की परिधि के तहत जो काम हो रहा है हम उसका सम्मान कर रहे हैं और हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन चूंकि आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे भी बहुत सारी बातें अभी होंगी, तो मैं पहले बता दूं कि इस काशी विश्वनाथ मंदिर की जो नींव है, जो उसको बनवाने का काम किसने किया? राजा टोडरमल ने। और राजा टोडरमल कौन थे? यही जिसको मुगल आक्रांता कहते हैं, बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक। 1585 में जो है उसके फरमान पर काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, और उन्होंने दीन इलाही एक मजहब लाया जिसके तहत ज्ञान वापी मस्जिद भी वही राजा टोडरमल की निगरानी में बनी, ये इतिहासकार लिखते हैं। कौन सी मस्जिद में मंदिर की दीवार का इस्तेमाल किया जाता है? आप मुगलों के स्पोक्स पर्सन क्यों बन जाते हैं? मैं बन नहीं रहा हूँ, मैं चूंकि बता रहा हूँ, बादशाह बादशाह कह रहे हैं आप, और यहाँ टोडरमल टोडरमल आप ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल, राजा टोडरमल तो ब्राह्मण है ना, वो तो अकबर के 9 रत्नों में से एक है। मानसिंह कौन है? उनके यहाँ से रिश्तेदार है, जोधा अकबर की तरफ से आते हैं। अंजना जी, तो मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये तो इतिहास कह रहा है। दूसरी बात ये है कि जो सिंगार गौरी का जो जवाब देना चाहिए, आपके लिए ही एक सवाल होगा, क्योंकि आप वकील हैं, आपने कई बार कहा कि दीन मोहम्मद के केस का जिक्र है, आपने कहा कि 12 लोगों ने कहा, लेकिन आप कभी भी ये नहीं बताए कि 1936 में जो दीन मोहम्मद के केस के जो जजमेंट आया था वो क्या था। मैं पढ़ के बता देता हूं, आप इसको वेरीफाई कीजिएगा। इट इज डिक्लेयर्ड दैट ओनली द मॉस्क एंड द कोर्टयार्ड विद इन द लैंड अंडरनीथ आर हनफी मुस्लिम वक्फ एंड द प्लेंटिफ एंड द हनफी मुस्लिम्स हैव राइट टू ऑफरिंग प्रेयर्स। ये 1937 में जो ये फैसला आया मिर्जापुर में, यहाँ से ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये मस्जिद है, वक्फ की जमीन है, 1883 में हिंदू पक्ष पार्टी नहीं था। 1991 में एक और विष्णु जी, एक और सवाल दिखा दीजिए, ये मैप जो लेआउट है जो हिंदू पक्ष रख रहा है, जो दावा किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब दोनों तस्वीरें दिखा दीजिए, उससे काफी कुछ समझ में आती है बात। विष्णु जी जल्दी से उनकी बात का जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है शोएब जमी ने मेरी बात सही से सुनी नहीं। मैंने कभी नहीं कहा दीन मोहम्मद के केस में हम लोग जीत गए। दीन मोहम्मद के केस में तो हिंदू पक्ष पार्टी ही नहीं था, वो ब्रिटिश सरकार और दीन मोहम्मद के बीच में था। मैंने आपके चैनल पे पहले भी ये बात रखी थी कि दीन मोहम्मद के केस में जो ब्रिटिश सरकार ने एफिडेविट दिया वो पढ़ने वाला था, जिसमें उसने ये कहा कि हाँ औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा। दीन मोहम्मद के केस में जो 15 लोगों की गवाहियां हुई वो गवाहियां पढ़ने लायक थी, और वो सारी गवाहियां हिंदुओं के पक्ष में आई हैं। तो दीन हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है, स्टे ऑर्डर का, वो किसका केस था? स्वामी दीपांकर अरे भी वो किसका केस था? स्वामी दीपांकर अभी भी जिंदा है, आपका केस था वो 1993 में, किसका केस था बताइए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया? स्वामी दीपांकर, लेकिन इसका भविष्य अब क्या है? इसका भविष्य क्या है? जो जानकारी आज मिली है उसका भविष्य आप क्या देख रहे हैं? अगर ये कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है रिपोर्ट को, तब आगे भविष्य तय होगा। पहले कोर्ट में कल सबमिट हो। पर मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगा जब अभी शोएब भाई ने बताया इस मंदिर के इतिहास के बारे में, तो
तो कहा यह जाता है, जानकार और कुछ विद्वान कहते हैं कि यह गंगा के अवतरण से पहले का मंदिर है। पहली बात, 2000 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया, उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने कराया और अभी कॉरिडोर बना था, हम सब लोग उसके साक्षी बने। मगर आदरणीय हमें हम देखिए आपके उसमें बोलते नहीं है ना, थोड़ा सा तो सभ्यता और मर्यादा रखिए। खैर कैरी ऑन करने दीजिए प्लीज। जिस प्रकार की परिस्थिति वर्तमान अंजना जी है, निसंदेह काशी का मूल तत्व ज्ञानवापी है। 1993-94 में मैकविल नाम के एक खगोलीय शास्त्री आए थे यूएस से, जिन्होंने काशी को मापना चाहा, मगर उनसे बीएचयू के एक प्रोफेसर ने कहा अगर आप काशी मापना चाहते हैं तो आप ज्ञानवापी को केंद्र बनाइए, तब आप माप पाइएगा। तो ज्ञानवापी के एक योजन लंबा गोल घेरा खींचने के बाद तब पता लगा कि केंद्र ज्ञानवापी है पूरी समूची काशी का। जैसे समूची बॉडी में मध्य नाभि है, वैसे काशी में ज्ञानवापी है। एक मिनट सर, कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं जवाब दूं। वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, भौगोलिक, खगोलीय, किसी भी आप दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपको काशी का मूल केंद्र और अविनाशी तत्व ज्ञानवापी दिखेगा। अभी कल पता लग जाएगा जब ये पटल पर रखेंगे जस साहब के सामने, और जस साहब जो कहेंगे हम लोगों को पूरा विश्वास है और हम लोगों को पूरा यकीन है कि जो जस साहब है वो न्याय करेंगे। सुनील सिंह साहब, ये पॉलिटिकल मामला कैसे हो जाता है, ये सियासी मामला कैसे हो जाता है? संबित जी कह रहे हैं कि पिटिशनर्स हैं, 5 महिलाएं हैं जो कह रही है एक बार हमें पूजा करने की इजाजत दी जा रही है, 92 के बाद से हम रोज पूजा करना चाहते हैं, वो कोर्ट गई हैं, और ये सब कुछ फैक्ट फाइंडिंग में आया है, वही सर्वे जिस पर सब पर्देदारी कर रहे थे। देखिए अंजना जी, आपने जब शो शुरू किया तो जो सबसे पहला सवाल आपने किया कि क्या शिव ही सत्य हैं, तो उसमें कोई दुविधा नहीं है, शिव ही सत्य हैं। लेकिन जहां तक मामला न्यायालय में है, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है, तो जो देखिए आस्था एक हमारा आपका विषय हो सकता है, समित पात्रा का विषय हो सकता है, स्वामी जी का विषय हो सकता है, किसी का विषय हो सकता है, लेकिन ये देश आस्था से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और मुझे लगता है कि जब मामला न्यायालय में चला गया है, सारी जांच हो गई है, वीडियोग्राफी हो गई, फोटोग्राफी हो गई है, वो कल माननीय न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय भी इस मामले में कल सुन रहा है, तो मुझे लगता है कि जो कानून से रास्ता निकलेगा वही सही रास्ता होगा। नगरी तो बाबा की है, क्योंकि संबित पात्रा जी ने बहुत अच्छी कविता पढ़ दी, लेकिन इसी बाबा की नगरी में कितने बाबा के मंदिर टूटे हैं, इस पर इन लोगों ने कभी बात नहीं की। इसलिए सियासत है, ये सियासत इसलिए है कि बेरोजगारी पर बहस ना हो, सियासत इसलिए है कि महंगाई पर बहस ना हो, नफरत कैसे बढ़ाई जाए, सियासत इसलिए। भाई कल जजमेंट, कल माननीय न्यायालय के सामने जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा, आज ही लोग टीवी चैनलों पर बैठ करके फैसले सुना रहे हैं। हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम फिर कह रहे हैं हम कानून के पक्ष में हैं, संविधान के पक्ष में, लेकिन जिस तरीके से फैसले सुनाए जा रहे हैं उससे लगता है कि यहाँ सियासत हो रही है। कोर्ट का फैसला आपको सियासी लग रहा है? नहीं, कोर्ट का फैसला नहीं, कोर्ट पे तो हमने कोई टिप्पणी नहीं की। तो फैसले कौन हमने सुना तो पहले ही कहा, कौन फैसले सुना? टीवी पर बैठकर, भाई टीवी पर बैठकर एक पक्ष कह रहा कुछ नहीं मिला, एक पक्ष कह रहा मिल गया, तो हमको आपको सबको इंतजार करना चाहिए कि जो न्यायालय के सामने गया, न्यायालय तो झूठ नहीं बोलेगा, हमें भी न्यायालय पर भरोसा है, समित जी को भी न्यायालय पर भरोसा है, ये भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, वो अलग की बात है कि हम लोगों को ये लोग कभी कभी हिंदू मानते हैं, जब अधिकार देना होता है तब फिर नहीं मानते हैं, जब मंदिर में पुजारी बनाने का नंबर आएगा तब फिर नहीं मानेंगे, वैसे तो ओबीसी एससी एसटी सब हिंदू हैं। संबित जी देखिए, आप सोचिए जरा, षड्यंत्र कितनी गहरी है। यहां पर ओबीसी एससी एसटी इसके नाम पर हिंदुओं को खंडित करने के लिए हमारे सुनील भाई ने जिस प्रकार का एक प्रयोजन रचा, ऐसा नहीं है कि मैं और आप समझ नहीं पाए, और ये सदियों से इस देश में कुछ लोग इसी प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं अंजना जी, बाबा का भव्य शिवलिंग इसमें हिंदू और मुसलमान का विषय नहीं है, ये हिंदुस्तान का धरोहर है। द्वादश शिवलिंगों में से विराट स्वरूप बाबा का, काशी नगरी जो बाबा की नगरी है, आप सोच के देखिए। आज ये छोटा ये विषय मेरा सुनील जी के साथ या शोएब जमाई के साथ तूतू मैमे का विषय नहीं है, और बिल्कुल सही कह रहे थे स्वामी दीपंकर जी,
ये तो विक्रमादित्य जी ने, महाराजा विक्रमादित्य जी ने भी जीर्णोद्धार किया था, ये संस्कार है, अनादिकाल से बाबा वहां है। और अगर आज वास्तविक रूप में जो शिवलिंग मिला है वो द्वादश शिवलिंग है, तो ये प्रत्येक भारतवासी के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो शोएब जमाई हो या मुसलमान हो, हैं तो हम इस मिट्टी के संतान ना, इस मिट्टी के धरोहर का एक विराट अंश आज मिला है हम सबके लिए। आज प्रसन्न होने का दिन है, लड़ने का दिन नहीं है। ये आर्कियोलॉजिकली ऑल्सो आप अगर देखेंगे पुरातत्व के दृष्टिकोण से, तो पुरातत्व के दृष्टि और पास एक के पास पूरा कर चिल्लाने वो पूरा कर ले, फिर कॉरिडोर पर आपका सवाल मैं ले लूंगी इनसे, पहले पहले उनको पूरा कर लेंगे, पूरा ही जवाब तो इनको बनता है नहीं। कह रहे चिंता करे, चिंता कर रहा हूँ। देखिए अंजना जी, हम लोग सब अपने अपने समय पे बोले, इतना बौखलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी की निगरानी में टूटी है, सरकार की निगरानी में टूटी है, और उसको पास के एक यहाँ से आपने डंप यार्ड में जाके डंप यार्ड कर दिया। अंजना जी जरा ये शांत हो जाएंगे क्या जी, उस पर जवाब दीजिए जरा। सुनील जी भी ने वही बात मुझे मुझे तो समझ में नहीं आता, ये लोग क्या, ये कभी कभी कहते हैं हम हिंदू विरोधी हैं, कभी कहते हैं हम पूरी हिंदू पार्टी हैं। तो देखिए इनके पास तथ्य नहीं है, जिनके पास तथ्य नहीं होता है ये इसी प्रकार की अनर्गल बातें करेंगे। हम इंतजार करेंगे, हम श्रद्धा के साथ इंतजार करेंगे। देखिए यही सोहेब जमाई जी ने कहा था, तो राम मंदिर तो हम बनने नहीं देंगे। यही समाजवादी पार्टी ने कहा था, और गोली मारने की आवश्यकता पड़े तो हम और गोली मारेंगे। यही समाजवादी पार्टी ने कहा था, भक्तों को और गोली मारने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम भक्तों को और गोली मारेंगे। मैं सिर्फ सिंपल पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब, भगवान राम ने अपना काम कर लिया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनते वक्त जितनी मंदिरें छोटी-छोटी आप लोगों ने तोड़ दी कौन है सिंपल सिंपल पूछने वाले आप? जमाई साहब हैं, जमाई साहब स्टूडियो में बैठे हैं तो ऑडियो नहीं मैं कम कर सकती हूं, लेकिन रिक्वेस्ट जरूर कर सकती हूं। खंबित जी से कम से कम वाद विवाद तो कर सकते हैं। हां नहीं ठीक है, जवाब सुनिए, कोई बात नहीं। वो जवाब नहीं दे रहा था जमाई साहब कॉरिडोर पे, काशी कॉरिडोर पे पूछ रहे हैं कि परेशान है उस समय कई मंदिरों को आपने हटाया तोड़ा मूर्तियां आपने फेंक दी डंप यार्ड में, उस पर जवाब दे दीजिए जरा, क्यों तोड़ा वो? अंजना जी ये कुछ भी पूछते रहेंगे आज ये बौखलाते हुए नजर आएंगे। बाबा जो मिले हैं वो हमको पता है, बाबा जो मिले हैं नहीं नहीं हकलाने नहीं लगे। और एक बात बता दूं, जो लोग हकलाते हैं, जो लोग हकलाते हैं उनके लिए भी आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मत करें, आप थोड़ा सा सिविलिटी दिखाएं। आप देखिए देखिए सोहेब जमाई जी, आप अपने आप को सऊदी अरबिया का मत सोचिए कि आप सऊदी अरब से आए हैं, हैं इसी मिट्टी के संतान आप, इसलिए ये जो उछल उछल करके अनर्गल यहाँ पर उच्चारण अपने ही देश के खिलाफ कर रहे हैं, याद रखिए। नहीं नहीं आप समझिए, आप समझिए, जो बाबा मिले हैं ये आपके भी बाबा हैं, ये आपके भी बाबा हैं, ये आपके भी बाबा हैं, याद रखिए। आप भले उनको ठुकरा के रखिए, वो आपको भी आशीर्वाद देते हैं, याद रखिए। हमारी आस्था है कि भाई यहाँ से जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, हमारी आस्था है कि ये पूरी दुनिया सरजमी जो आप तो श्रीराम मंदिर भी नहीं बनने देना चाहते थे ना, आपकी आस्था चलेगी ना हमारी आस्था चलेगी। एक सेकंड, एक सेकंड, हमारी आस्था शोएब जमाई जी 125,000 शोएब जमाई जी, एक तो प्लीज सर जी, प्लीज जब आपकी बारी हो तब बोलिए, मुझे फिर आपसे बेवजह का इस तरह से बात करनी, आई डोंट वांट टू डू दैट, प्लीज सर आप मुझे ये बताइए कि अगर वहां शिवलिंग है, वहां हाथ पैर धोए जा रहे हैं, आपको लगता है ये होना चाहिए? जहां शिवलिंग अगर है, अभी तो आपको भी नहीं पता है ना, आपको भी नहीं पता है जी। कल रिपोर्ट आएगी, जहां शिवलिंग है वहां वजू होना चाहिए? मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, भागिएगा मत। कि वहां शिवलिंग है वो वाकई में हाँ। इस बात का फैसला कोर्ट में होगा ना, तब वजू होना चाहिए, तय नहीं हुआ ना। कल्पना कीजिए, अभी मुस्लिम पक्षकार जो हिंदू पक्ष है वो तो कोर्ट के रास्ते जा रहा है ना, कानून के रास्ते, थोड़ा ना कोई अलग रास्ता अपना रहा है, कोर्ट के रास्ते से जा रहा है। बारिश पठान साहब, मुस्लिम पक्षकार यही सवाल मैंने वैसी साहब से पूछा, एक सेकंड रुक जाइए, मुस्लिम पक्षकार वैसी साहब से मैंने यही पहला सवाल पूछा था। मुस्लिम पक्षकार के वकील भी हिंदू है, वही आज कह रहे थे कि भाई वो शिवलिंग जैसे वकील का भी धर्म देखिए, प्लीज वो कह रहे हैं, रुक जाइए रुक जाइए, अरे बेकार की बातें कर रहे हैं, वो शिवलिंग नहीं है। वारिस साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, जो मैंने पहला सवाल वैसी साहब से भी पूछा था कि अगर शिवलिंग है तो वहां हाथ पैर धोए जाए, वहां वजू होना चाहिए? मैं जितना जानती हूँ इस्लाम भी इसे सही नहीं देखेगा। कौन बोल रहे हैं वहां पे शिवलिंग है? हिंदू पक्ष नहीं, कौन कौन तो वीडियो और फोटोग्राफी हो गई है, कल क्लियर होगा। ये हिंदू पक्ष बोल रहा हो तो मुसलमान पक्ष ने क्या कहा सुनिए, मुसलमान पक्ष ने क्या कहा, वो तो एक फाउंटेन है, तो आप उसकी बात क्यों नहीं मानते हो, इनकी एक ही बात क्यों मानते हो? अब इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना, दोनों तरफ की बात सुनने के बाद फैसला होगा। बात नंबर दो, संबित पात्रा यहाँ पे बैठे हुए हैं,
संबित पात्रा से मैं सवाल करना चाहता हूं, भाजपा के प्रवक्ता है, मैं इनसे सवाल करता हूं, क्या बीजेपी 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 जिसमें है कि आप किसी भी वर्शिप प्लेस का जो 15 अगस्त 1947 तक की है उसका कैरेक्टर और नेचर चेंज नहीं कर सकते, क्या बीजेपी उसको मानती है पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को या नहीं मानती है? मुझे ठीक है, संबित जी इसका सीधा जवाब दीजिए। भी संज्ञान लिया था जब बाबरी मस्जिद टाइटल सूट डिसाइड हो रहा था। देखिए अंजना जी, मैं बड़े ध्यान से सबको सुनता हूं, उसी का जवाब दे रहे हैं, सबके बीच में जवाब है, क्या मानते नहीं मानते उसी का जवाब। चलिए ठीक है, सुनिए, देखिए पहले तो अंजना जी ये लोग हम ये देश के ये अंजना जी पहले आप इनकी आवाज को कम करिए। ये शोएब जमाई को आप बुलाते हैं पूरा डिबेट, ये शोएब जमाई खराब करता है, हर जगह चिल्लाना, किसी को बोलने नहीं देना, ये उचित बात नहीं है। अंजना जी बोलिए। देखिए अंजना जी, ये देश के निवासियों को राहुल गांधी सोचना बंद करे। हम जानते हैं क्या शिवलिंग है और क्या फाउंटेन है, क्या फाउंटेन और शिवलिंग में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं क्या? हम राहुल गांधी, हम लोग आपको राहुल गांधी दिखते हैं? ये जो गए थे जैन साहब, आपको राहुल गांधी दिखते हैं? ये जान नहीं पाएंगे क्या फाउंटेन है और क्या शिवलिंग है? अब टेक्निकली आप मेरे सवाल का जवाब, आपका सवाल का जवाब मैं पेपर पढ़ के बताता हूं आपको वैसे। अरे सवाल का जवाब सुनिए ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में एक्सेप्शन है, जो एग्जेम्प्ट होगा, क्या क्या एग्जेम्प्ट होगा उसमें? सेक्शन 43A क्या कहता है? 43A कहता है एनी प्लेस ऑफ वर्शिप रेफर्ड टू इन द सेट सबसेक्शंस व्हिच इज एन एंशियंट एंड हिस्टोलॉजिकल मॉन्यूमेंट और एन आर्कियोलॉजिकल साइट और रिमेन्स कवर्ड बाय द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 ऑफ और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इज एग्जेम्प्टेड। तो कौन एग्जेम्प्ट होगा? अगर वहां से ऐसा कुछ आपको छापत्र कला मिलता है, कोई मिट्टी मिलती है, कोई कोई कोई, अरे बिकॉज पूरा सुन लीजिए अंजना जी, सवाल पूछा तो पूरा तो पूरा तो सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा मैं पूरा बोलूं उसके बाद आप बोलिएगा, एक सेकंड मैं पूरा बोलूं उसके बाद बोलिएगा, मैं जवाब दूंगी आपसे। देखिए एग्जेम्प्शन है, एग्जेम्प्शन की वजह ये थी कि होम मिनिस्टर ने खुद ने कहा था, ठीक है, अगर उसने कहा, अरे अंजना जी ये सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये पकड़े गए हैं, बाबरी मस्जिद के ये सुनना नहीं चाहते क्योंकि ये पकड़े गए हैं, मैं उत्तर दे रहा हूं। कोई नहीं रुक रहा, आप इनकी आवाज तो कम हो सकती है, ये तो स्टूडियो में नहीं है, सुन लीजिए, सबसेक्शन 2 क्यों नहीं पढ़ते आप? चलिए बताइए मुझे, मैं सबसेक्शन 2 भी पढ़ूंगा, सबसेक्शन 2 भी पढ़ दूंगा और सबसेक्शन 3A भी पढ़ा है, मैं सबसेक्शन 2 भी पढ़ देता हूँ, क्या लिखा है पहले इसको बता दूं फिर सबसेक्शन 2 भी पढ़ देता हूँ। नंबर ए देखिए, सबसेक्शन 2 में लिखा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी कैरेक्टर किसी वर्शिपिंग प्लेस का था उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, किंतु इसमें एक एग्जेम्प्शन है। एग्जेम्प्शन क्या है? अगर वहां पर ऐसा कुछ मिल जाएगा जो 100 साल या 100 साल से अधिक पुराना है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से, क्योंकि एएसआई के सर्वे में ऐसा तथ्य मिल गया जो दिखाता है कि वहां पुरातत्व विभाग है और आमसार एक्ट 1958 सत्य सत्य बिल्कुल सत्य है। तो इसके ऊपर देखिए बोलने नहीं देंगे क्योंकि ये पकड़े गए हैं, इसलिए बोलने नहीं देंगे। अब आप ही को जवाब देना, वो उनकी लास्ट लाइन होने, गुमराह नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको रंगे हाथ पकड़ लिया है, सुनिए। देखिए अंजना जी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं शांति से एक बार समझा दूं फिर मैं चुप रहूंगा, आप जवाब दीजिएगा अंजना जी, पूरा एक बार सुनिए, मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं अंजना जी, ये प्लेसेस अंजना जी प्लीज मुझे अकेला एक बार बोलिए, फिर अकेले इनको बोलिए। वारे साहब रुक जाइए सर, वारे साहब रुक जाइए, वारे साहब आप तो ऐसे नहीं करते थे सर, रुक जाइए, इनकी आवाज को कम रुक जाइए सर, बाकियों को भी टाइम नहीं मिल पा रहा ना क्योंकि इसी में पूरा टाइम निकल रहा है, प्लीज बात पूरी कीजिए समझ जी, प्लीज वारिस साहब रुक जाइए। देखिए अंजना जी, करोड़ों लोग देख रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को मैं लोगों को समझा दूं। पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया कि जो भी स्ट्रक्चर ढांचा जहां आस्था का स्वरूप है 15 अगस्त 1947 में जिस स्वरूप में था उस स्वरूप को 15 अगस्त 1947 के बाद बदला नहीं जा सकता है, मंदिर मंदिर रहेगा, मस्जिद मस्जिद रहेगा, किंतु इसमें एक एग्जेम्प्शन है। एग्जेम्प्शन क्या है? अगर उस स्थान पे आर्कियोलॉजिकली आपको ऐसा कोई तथ्य मिलता है जो ये प्रूफ करेगा कि ये तथ्य 100 साल का है या 100 साल से पुराना है,
तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के परिधि से बाहर हो जाएगा। अगर ये शिवलिंग या वहां पर जो मूर्तियां मिल रही है जिनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हो गई है, ये 100 साल के हैं या 100 साल से पुराने हैं, तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के परिधि से बाहर हो गई। बोले सुनिए संबित पात्रा जी, गलत बात है अंजना जी, साफ बात ये है। सुन कहा लिया आप तो भी नहीं, आप तो बीच बीच में बहुत चिल्ला रहे थे, बिल्कुल यही है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ के अंदर द मूव वाज अगेन, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ अंग्रेजी में। मूर्ति प्रकट हो गई, आपने झूठ बोला, वो है नहीं उस सेक्शन में, इज एन एंशिएंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रायर टू 1947, यू कैन नॉट चेंज द कैरेक्टर मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर। देखिए अंजना जी गलत बात, संबित जी, संबित जी, संबित जी ठीक है, संबित जी प्लीज, संबित जी प्लीज, रॉन्ग है, रॉन्ग है, जवाब दे रॉन्ग है अंजना जी, ये झूठ बात कर रहे हैं, संबित पात्रा टोटल झूठ बोल रहे हैं, टोटल मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ कर रहे हैं। लॉ इज सिंपल क्लियर, इट सेज 15 अगस्त 1947 के प्रायर के जितने भी स्ट्रक्चर्स है, मॉन्यूमेंटल प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उसको आप एग्जेम्प्शन नहीं कर सकते, उसका नेचर कैरेक्टर नहीं बदल सकते। परंतु कहां से आया, अगर एग्जेम्प्शन था तो उस पर आर्क्यू हो चुका था, सारे चीज आर्क्यू हो चुकी थी, एएसआई की बात आ चुकी थी, हर चीज आर्ग्यूमेंट हो चुका था, उसके बाद ये फैसला आया है। हर चीज का आर्ग्यूमेंट हो चुका था, उस वक्त के होम मिनिस्टर ने कहा था कि हम उसका पालन करेंगे, उसके ऊपर बना था। आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आपने यही करके नहीं, अंजना जी 10 सेकंड में खत्म करूंगा अपनी बात, 10 सेकंड में खत्म, लेकिन मैं बीच में बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा था, इनके बीच में खामोश करिए। 10 सेकंड में अंजना जी, इन्होंने इसी तरह गुमराह कर बाबरी मस्जिद के अंदर रात के अंधेरे में मूर्ति बोले प्रकट हो गई, हमने ईशा की नमाज पढ़ी, बाद में नमाज नहीं पढ़ सके, फिर क्या हुआ, पूरे देश ने देखा। अदालतें लेंगी, उनके विवेक पर निष्ठा रखिएगा, तभी वहां पर यकीन कर पाएगा। स्वामी दीपांकर जी दो लाइन से एकदम वक्त, तो इतना ही कहूंगा कि नियत नियति तय करेगी, बाकी परमात्मा पर छोड़िए, दिन भी महादेव का और निर्णय भी महादेव का, और बाकी जो आदेश होगा वो सर्वोच्च न्यायालय का। सोमवार को बाबा मिले, इसीलिए कहा। इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद, हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।